बाढ़ पंडारक थाना क्षेत्र के लेमुआ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 14 वर्षीय रोशन कुमार नामक एक किशोर का शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और छानबीन में जुट गई है। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक की पहले गला दबाकर हत्या की गई है, फिर उसके शव को फेंक दिया गया है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले से बच्चा गायब था, हालांकि दूसरे दिन जब उसका शव मिला तो पूरे गाँव में खलबली मच गई। बच्चा के सर माँ फांसी लगा मार के बीग दिया सर। कहाँ मिला लाश? ये हमको टाल छत में मिला सर। वो कब से गायब था? ये शाम 6 बजे के बाद 6:45 के गायब है सर। उसकी सूचना पुलिस को दिए थे? पुलिस के नहीं सर, हम गांव में छानबीन किए सर, गांव में नहीं मिला। तो हम लोग फिर सुबह मानी बोला कि लाश में गिरा हुआ है खड्डा में, तो हम लोग देखने आए तो रोशन ही था। हाँ, रोशन ही था। घटनास्थल है NTPC पाइपलाइन के सामने दक्षिण दरघा टोला। क्या हुई थी वहाँ, क्या मिला? वहाँ पर मिला था कि हम लोगों को सूचना मिला, हम गए और लाश को बाहर में पनीसी काल के रखा हुआ था। मैंने डूबा हुआ था बच्चा? वो हमने नहीं देखे कि डूबा हुआ था, लेकिन लोगों से लोग मैंने पब्लिक बताया कि वहाँ ढेला हुआ, इसे पटा हुआ था।